बिरयानी आजकल बहुत फेमस चल रही है, हांडी बिरयानी। तो हम चिकन में बनाएंगे हांडी बिरयानी, ठीक है। आज मैं ऊपर आई हूँ छत पर, क्योंकि माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा हो रहा है और आप ये सारी ग्रीनरी देख सकते हो। यहाँ पीछे एयरपोर्ट है, ठीक है ना, ये पीछे पूरा एयरपोर्ट है हमारा, और माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो मैंने कहा इसको इन्जॉय करना चाहिए। तो आज हम छत पर बना रहे हैं बिरयानी। तो इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से है कि ये तीन प्याज लिए थे मैंने और इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। आजकल की प्याज गीली आ रही है तो क्रिस्पी नहीं हो पा रही, तो ये मैंने किया था, ठीक है। तो पतीली में हम पहले डाल देंगे ये प्याज, थोड़ा सा तेल पहले भी डाला था मैंने, और ये हमने डाल दी प्याज इसमें, ठीक है। ये प्याज हमारी सौसे हो रही है, इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन 2 टीस्पून भरकर, ठीक है। ये इसमें हमने डाल दिया अदरक लहसुन, इसके अंदर जाएंगे हमारे आलू। अगर आप आलू डालना चाह रहे हैं तो आप डालें, ना डालें चाहे तो ऑप्शनल है, ठीक है। और जाएंगे चिकन, ये ठीक है, चिकन। इसमें जाएंगे नींबू, स्लाइस करके मैंने डाले थे, नींबू चले गए। इसमें जाएंगे टमाटर, 3 अदद टमाटर थे इसको मैंने कट कर दिए थे, 3-4 हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना 1-1 गड्डी। ठीक है, इसमें जाएगा 1/2 पाव के करीब दही, और जाएगा शान मसाला 1 पैकेट। अगर आप घर के भी इससे बनाते तो आप घर के इससे भी बना सकते हैं हम, लेकिन मैंने आज कहा कि जल्दी में ये प्रोग्राम बन रहा है तो मैंने कहा चले हम फिर ये यूज़ कर लेते हैं। ये हमने सारा डाल दिया, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया सारा मसाला, ठीक है। ये चावल मैंने हाफ डन कर दिए थे बॉयल करके, अब ये हम डालेंगे इसमें चावल। अच्छा, मसाला जैसे जैसे नीचे बैठेंगे चावल आपके चले जाएंगे नीचे। ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लीजिए ताकि आपके चावल खुले खुले बने, ठीक है। ये आपने सारा डाल दिया, अब ये मैंने थोड़ा सा आटा पतला सा कर लिया था ताकि इसकी हवा बाहर ना जाए, तो ये हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, एयर टाइट हो जाएगा ये ना, इस तरीके से मैंने कवर कर दिया आटे से, और इसको अब हम लगाएंगे बिस्मिल्लाह। ये हो गया एयर टाइट आपका बिल्कुल, ठीक है। और अब इसको हम कम से कम 1/2 घंटा देंगे, क्योंकि आज धीमी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसको 1/2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि माशाल्लाह बिरयानी कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई, तो इसको मैं अभी रूम में लेकर जा रही हूँ, वरना मेरी फिर बिरयानी दम पर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये जब प्रिपेयर होती तो मैं आपको बताती हूँ फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिरयानी बिल्कुल डन हो गई है, देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कोयले की, और ये रही आपकी बिरयानी डन। स्टीम अभी तक बनी हुई है इसके अंदर, आप ये देखें,
आप यकीन करें कि मैंने बनाए इतनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ी सी मेहनत होती कोयले की, बाकी आप यकीन करें इतना लजीज बनाया है ना कि बस। और देखिए ये आलू भी बिल्कुल डन हो चुके, ये देखिए आलू बिल्कुल, ये देखिए चिकन, ये देखिए चिकन बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त। मेहनत होती है, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप इंजॉय करते हो ना कुकिंग, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और कोई टाइम की आप यकीन करें, झटपट मैंने बस ऐसे अचानक मौसम को देख के बोला कि हमने बनाना है, और माशाल्लाह से मैंने बना लिया मेरे बेटे की हेल्प से। तो थैंक यू सो मच और फॉर वॉचिंग माई चैनल, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़। हम जहां आसानी वहां, देखिए ये प्रोग्राम जहां के साथ।